जय श्री राम। जय मुंड मालिनी। मैं योगी श्री प्रकाशनाथ तंत्र गुरु चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। विषय है वशीकरण टोटका प्रयोग कितने दिनों में काम करता है और इसका असर कितने दिनों तक रहता है, संपूर्ण क्लियर हो जाएगा आज के इस वीडियो में। आप लोग थोड़ा धैर्यपूर्वक बिना स्किप के वीडियो को देखिए, नहीं तो बार बार आकर मुझे पूछना पड़ेगा। ये जो वीडियो बना रहा हूं आप लोगों का ही रिक्वायरमेंट है, आप लोग ही बार बार मेरे से पूछते हैं, इसलिए वीडियो को बनाया। इसलिए आप थोड़ा वीडियो को धैर्यपूर्वक वीडियो को देखिए। आज का कंटेंट अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन बेल कॉल करें। चलिए मैं आज का कंटेंट शुरू करता हूं। तो मित्रों टोटका प्रयोग देखिए, टोटका प्रयोग का रचना इसलिए हुआ है, वर्तमान समय में इंसान बहुत बिजी हो गया है, ज्यादा अनुष्ठान करना हर लोगों के लिए संभव नहीं है। अनुष्ठान, तांत्रिक अनुष्ठान के लिए आप सभी लोगों को दीक्षित होना अनिवार्य है। बिना दीक्षा के लिए कोई भी तांत्रिक मंत्र, वैदिक को तो छोड़ ही दीजिए, कोई भी तांत्रिक मंत्र आपके लिए कोई प्रकार काम नहीं करेगा। इसीलिए ये सावरूप तो मंत्र का रचना किए थे भगवान महादेव ने, उसके बाद गुरु श्री मत्स्यनाथ जी, उसके बाद गुरु श्री गोरखनाथ जी के द्वारा ये मंत्र क्रमोवर्धमान धीरे 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 आगे बढ़ता रहा। तो ये मंत्र ग्रामीण क्षेत्रों, पर्वत्र इलाका, जंगल के इलाके लोग ज्यादा इस्तेमाल करते थे, वो लोग थोड़ा बहुत पढ़ाया लिखा काम जानते थे, इसलिए ये मंत्र को ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण भाषा में ज्यादातर आप लोगों को मिलेगा। इस मंत्र में बहुत सारे बंगाल का भाषा है, महाराष्ट्र का भाषा है, यूपी के कुछ ग्रामीण भाषा का इसमें मुस्लिम भाषा का भी कई प्रकार का मंत्र है, ठीक है। तो हर प्रकार का भाषा में ये मंत्र आप लोगों को मिलेगा। तो ये मंत्र का रचना इसलिए होता है जो साधारण लोग इस मंत्र का उपयोग कर सके, साधारण लोग इस मंत्र का उपयोग करके अपना उद्देश्य को पूर्ण कर सके, इसीलिए इस मंत्र का रचना हुआ था। इसीलिए इस मंत्र में बहुत ज्यादा आडंबन करने का आप लोगों को जरूरत नहीं है। आप लोगों को घट बिठाकर, आप लोगों को कलश बिठाकर, देवता को पंचोपचार, सोलह सौ से पूजा इत्यादि कर्म करने का जरूरत नहीं। सीधा विश्वास और भक्ति के साथ इस मंत्र को अप्लाई करें, 1108 बार या 10,000 बार मंत्र का अनुष्ठान करके आप लोग सीधा मंत्र को अप्लाई कर सकते, इतना आसान। और ये ज्यादातर मंत्र में आप लोगों को गुरु का होने का भी जरूरत नहीं है। ये टोटका है, टोटका इसीलिए होता है जो बहुत ही कम समय में आप लोगों को फल दे सकता है। अभी ये टोटका जैसे कम समय में आप लोगों को फल दे सकता है, इसलिए टोटका का असर भी बहुत कम समय के लिए होता है। ज्यादा से ज्यादा टोटका प्रयोग का असर होता है छोटा मोटा टोटका, जो टोटका प्रयोग आप लोग जितना कम समय का टोटका प्रयोग अप्लाई करेंगे, मान लीजिए एक दिन का टोटका है तो उसका वैलिडिटी भी उतना ही कम होगा। 40 दिन का टोटका प्रयोग आप लोग अप्लाई करने के बाद उसका वैलिडिटी भी ज्यादा होगा। जितना ज्यादा मंत्र का अनुष्ठान होगा, जितना लंबा प्रोसेस चलेगा, उतना ही शक्तिशाली होगा कोई भी प्रयोग, चाहे वो सनातन धर्म का प्रयोग हो, चाहे हो तांत्रिक प्रयोग हो, चाहे हो टोटका प्रयोग। लंबा समय तक क्रमागत तो लगातार उस मंत्र का अनुष्ठान करते 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 जा रहे, 108 × 30 हिसाब कर लीजिए कितना ज्यादा हुआ। अभी 108 मंत्र जाप करके एक कागज को जला दिए, उसका वैलिडिटी बहुत ही कम होगा। इसीलिए मैं आप लोगों को हर समय ये बार बार ये बोलता हूं, जब कभी भी कोई भी प्रयोग आप लोग अप्लाई करें तो लगातार उसे क्रमागत करने की कोशिश करें। जब भी आप लोग कोई भी टोटका प्रयोग का अप्लाई करेंगे तो चेष्टा कीजिए, कोशिश कीजिए लगातार उस प्रयोग को करने के लिए। बार बार मुझे गुरुदेव कितना दिन में सिद्ध होगा, मंत्र तो एक ही दिन का है, एक दिन अनुष्ठान करने के बाद मंत्र का आप लोग छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपका मनोकामना पूर्ण नहीं हुआ है तो उस मंत्र को कैरी करके रखने में आप लोगों का क्या नुकसान जा रहा है, मैं आप लोगों से पूछता हूं। अगर एक प्रयोग, अभी आप लोगों को एक प्रयोग बोला जो कल आप लोग अप्लाई करना है, उसमें आप लोगों का 1 रुपया का खर्चा नहीं है, सिर्फ आधा घंटा या 15 मिनट का समय लग रहा है प्रयोग को अप्लाई करने में। अभी उस मंत्रों में आप लोगों को दिख रहा है जो मंत्रों को आप लोग अप्लाई करने के बाद आप लोगों को कुछ फल नहीं मिला, तो नेक्स्ट उस मंत्र को अप्लाई करने में आप लोगों को क्या नुकसान जा रहा है, आप लोग सोच के मुझे बताइए। एक पैसे का इन्वेस्ट नहीं है, सिर्फ थोड़ा मेहनत लग रहा है, विश्वास के साथ प्रयोग को अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद गुरु जी कितना दिन में काम होगा। काम तो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, तुम्हारे मन में श्रद्धा भक्ति कैसा है, किसके ऊपर मंत्र का प्रयोग अप्लाई करने के लिए जा रहे हो, वो व्यक्ति के साथ तुम्हारा रिलेशन क्या है, कनेक्शन क्या है। किसी के भाभी के ऊपर अगर प्रयोग करने के लिए जीवन भर में कभी भी सक्सेस नहीं होगा, अगर सक्सेस हो भी गया तब भी तुमको भयंकर नुकसान पहुंचेगा। अगर प्रेमी प्रेमी में कोई कनेक्शन है, कोई रिलेशन है, कोई संपर्क है, तब जाकर प्रयोग जरूर सक्सेसफुल होगा, यही तो नियम है। अगर सक्सेसफुल नहीं हो रहा है तो लगातार उसको करते करते जाओ, लगातार एक बार में 36 उपाय को,
मेरे चैनल पर जो उपाय मैं डालता हूं लगातार 36 उपाय को एक महीने में अप्लाई करके देखो, 101% मनोकामना पूर्ण होगी, इतना मैं गारंटी के साथ बोलता हूं। अपने हिसाब से अलग अलग 36 उपाय को निर्वाचन करके प्रयोग करके देखो, इतना तो कर सकते हो ना प्रयोग में। किसी को मुझे एक पैसा देने का कोई जरूरत नहीं है, मैं कभी किसी को बोला नहीं कि मेरे चैनल पर प्रयोग देखकर मुझे पैसा देने के लिए आओ। खुद करो, खुद अपना पैसा बचाओ, खुद ईश्वर के सामने निवेदन करो, मनोकामना जरूर अब तुम्हारा पूर्ण होगा। अभी एक उदाहरण मैं देता हूं। लोग बोलते हैं गुरु जी मेरा मंत्र सिद्धि कब होगा, गुरु जी मुझे प्रेत साधना करना है, गुरु जी आप तो ये सावर सिद्ध मंत्र दिए हो उसके बाद भी मुझे सिद्धि करने का जरूरत क्या है। सावर सिद्ध मंत्र देने के बाद भी मुझे सिद्धि करने का जरूरत क्या है, तो एक छोटा सा उदाहरण दो, ज्यादा वीडियो बड़ा नहीं हो जाएगा। नहीं तो गोरखनाथ जी का गुरुदेव श्री मत्स्यनाथ जी महाराज गोरखनाथ जी को मंत्र देकर गए, बोला जे मैं अभी भिक्षा लेने के लिए जा रहा हूं गाँव गाँव, जब तक मैं आऊं तब तक तू यह मंत्र निरंतर जाप करता रहे। ठीक, तो गोरखनाथ जी के गुरु देव श्री गोरखनाथ जी को महामृत्युंजय का मंत्र उपदेश करके गए, ये मंत्र तू धोनी के सामने बैठकर कुटिया में अनुष्ठान करते रहे, जाप निरंतर जाप करते रहे। उसके बाद तो बाहर में गोरखनाथ जी के कुटिया से बाहर में छोटा छोटा बच्चा लोग कुछ खेल रहे थे, गाड़ी वाला, ठीक है, एक घोड़े के गाड़ी बनाकर कुछ खेल रहे थे, तो बहुत चिल्ला मिल्ली हो रहा था। तो गोरखनाथ जी बच्चा लोगों को बुलाया, बोला इतना चिल्ला मिल्ली क्यों कर रहे हो, इतना आवाज हो रहा है, मुझे अनुष्ठान करने में असुविधा हो रहा है। तो बोला जे हम लोग का तो घोड़े का गाड़ी है लेकिन गाड़ी वाला नहीं है, जो गाड़ी को खींच के लेके जाएगा वो कोई नहीं है, तो आप बाबा जी आप मेरे लिए गाड़ी वाला बना के दीजिए मिट्टी का, तो हम लोग उसको लेकर खेलेंगे, एक पुतला बना के दीजिए। तो गोरखनाथ जी ने क्या किया, बोला ठीक है तुम ये करने से तुम संतुष्ट, बाल हट है, बाल लोग बच्चा लोग मानेगा नहीं, तो गोरखनाथ जी बोला ठीक है मैं तुम्हारे लिए एक मिट्टी का पुतला बना के देता हूँ, तुम उसको लेकर जाकर खेलो, लेकिन ज्यादा आवाज मत करना, शब्द मत करना, नहीं तो मुझे ध्यान लगाने में अनुष्ठान करने में असुविधा हो रहा है। तो गोरखनाथ जी क्या किए, तो वो छोटा सा एक मिट्टी का पुतला मंत्र जाप करते करते छोटा सा मिट्टी का पुतला बनाने लगे। तो मिट्टी का पुतला बनाने लगे, तो जैसे मिट्टी का पुतला बनाने लगे कुछ देर के बाद ही मिट्टी का पुतला एक जिंदा इंसान के छोटे से बच्चे के रूप में परिवर्तित हो गया। परिवर्तित होने के बाद गोरखनाथ जी उस बच्चे को उठाए और सामने रख दिए। तो ये देखकर गांव वाले का छोटा छोटा बच्चा लोग जो थे वो तो डर के भागे, अरे गांव वाले बच्चा एक मिट्टी का पुतला ऐसे बच्चे में, जिंदा बच्चे इंसान के बच्चे में परिवर्तित हो गया। सब लोग अचंभित हो गए, सब भागे, गांव वाला पूरे इकट्ठे हो गए। कुछ बहुत देर के बाद गुरु जी का गुरु उपस्थित हुए, तो तब भी गोरखनाथ जी मंत्र का अनुष्ठान कर रहे थे, मंत्र का अनुष्ठान छोड़े नहीं। जब आकर बोला अरे गोरख तू अभी ये क्या है, ये कौन है, बोले गुरु जी मुझे पता नहीं ये कौन है। देखिए स्वभाव देखिए, इसको बोलते हैं शरणागत। बोले गुरु जी ये कौन है मुझे पता नहीं, बोले ये आया कहाँ से, पूछा मत्स्यनाथ जी ये आया कहाँ से, तो बोला ये गुरु जी मैं एक बच्चा लोग बहुत ज्यादा शब्द कर रहे थे, आवाज कर रहे थे, तो बोला एक पुतला बना के देने के लिए, तो मैं पुतला बनाने लगा, तो पुतला बनाते पास देखा हाथ में ये एक बच्चा आ गया, तो उसको मैं साइड में रख दिया और अपना मंत्र को चालू रखा। आपने बोला था मुझे मंत्र अनुष्ठान करने के लिए, तो मंत्र अनुष्ठान करता रहा मैं। तो सोचिए गुरु गुरु के लिए कितना समर्पण है। गुरु ने बोला था जे तू मंत्र जाप करते रहे, मन मत करना जब तक ना मैं आऊ, तो गुरु गोरखनाथ जी भी मंत्र का अनुष्ठान करते रहे। उनका मंत्र तो बोला जा रहा तेरा मंत्र तो कब का सिद्ध हो चुका है, तेरा मंत्र तो कब का सिद्ध हो चुका है, तू तो मिट्टी के पुतले में भी जान फूंक दी, ये तो आ गया देख तेरे सामने। गांव वाले भी सब आ गए, सब इकट्ठा हो गए। तो बाद में जाकर वो जो बच्चा गोरखनाथ जी के हाथ से जन्म लिया, वो बच्चा बाद में जाकर बहुत बड़े संत हुए। तो यही है गुरु के प्रति समर्पण भाव। अगर गुरु के प्रति समर्पण भाव होगा, निष्ठा भक्ति, जो एक शब्द इसीलिए शास्त्र में बोला गया गुरु वाक्य सदा सत्य, सत्य मेव परम पदम, गुरु का वाक्य है सदा सत्य। जो लोग साधना करने में इंटरेस्ट है, जो लोग साधना के बारे में सोचते हैं आगे, अगर कुछ साधना करना है, तांत्रिक साधना करना है, अघोर साधना करना है, शमशान साधना करना है, प्रियत साधना करना है, पहले गुरु का वाक्य सुनो गुरु क्या बोल रहे हैं, उसके बाद जाकर अघोर तांत्रिक साधना का। गुरु का लाइन ही सही आएगा। किताब पढ़कर कोई साधना नहीं होता, कभी जीवन में कोई साधना नहीं हुआ है। किताब पढ़कर कोई इंसान लेक्चर भी देगा ना, उसके बाद थोड़ी देर बाद उसको सोचना पड़ेगा किताब में क्या लिखा है, एक बार फिर मैं पढ़ लेता हूँ, और वो इंसान कभी भी प्रैक्टिकल करके वो नहीं दिखा पाएगा। इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ, अगर मेरे बात के ऊपर आप लोगों का विश्वास है तो जरूर गुरुकरण कीजिए, अच्छा अनुष्ठान कीजिए, अच्छा अनुष्ठान सीखिए और आगे बढ़िए। इससे आप लोगों का
फायदा पहुंचेगा। आशा करता हूं मैं ये छोटा सा गुरुजी का उदाहरण आपसे आप लोग समझ गए। जब तक आप लोगों का मनोकामना पूर्ण ना हो, जब तक इच्छा पूर्ति ना हो, तब तक अनुष्ठान को छोड़े नहीं, यही है मूल उद्देश्य। गुरु गोरखनाथ जी कैसे अनुष्ठान किए, सुबह गुरु का शब्द है कान में बज रहा था, जब तक मैं ना आऊं तब तक मंत्र को छोड़ना नहीं। इसीलिए जब तक आप लोगों का मनोकामना पूर्ण ना हो तब तक मंत्र को छोड़े नहीं। लगातार एक साथ कई उपाय को अप्लाई कर सकते हैं। समय समय से यह ध्यान रखिए, ये टोटका प्रयोग कमजोर प्रयोग होता है, टोटका कमजोर, इसीलिए एक टोटका के साथ कई टोटका प्रयोग को आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, इससे कोई भी प्रकार नुकसान नहीं होगा। टोटका प्रयोग साधारण प्रयोग है, गुरु गोरखनाथ जी का नाम लेकर, भगवान शिव का नाम लेकर आप लोग अनुष्ठान कीजिए। हर अनुष्ठान संपन्न हो जाने के बाद कोई साधु को, कोई ब्राह्मण को दान दक्षिणा 11 रुपया 21 रुपया देकर कुछ भोजन जरूर करवाइए, इससे आपका मनोकामना जरूर पूर्ण होगा। बहुत लंबा हो रहा है वीडियो, लंबा वीडियो 11 मिनट 12 मिनट का आप लोग के वीडियो बना तो ड्यूरेशन टाइम है तो 2-2.5 मिनट 3 मिनट कोई जरूरत नहीं है, फिर भी बहुत लंबा हो गया। आशा करता हूं अगर जो भी व्यक्ति, जो भी मेरे व्यूअर्स इतना दूर तक मेरे वीडियो को देख लिए तो उन लोग का दिमाग में, मन में ये चीज संपूर्ण बैठ गई, मैं क्या मैसेज छोड़ा। आज का कॉन्टेंट अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। मैं फिर मिलता हूं आपसे नए वीडियो में, तब तक घर में रहिए, सेफ रहिए। हरिओम तत्सत।